अच्छा मैम, मेरा एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है आपसे, ये पकड़िए। ओके, तो मैम आप ये बताइए, जो अभी टैक्स रेट में चेंज किया गया है, कितने टैक्स तक, सॉरी कितने लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है? 7 लाख तक इनकम टैक्स पे ना, 7 लाख तक। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? अरे मैडम क्या पूछ लिया आपने हमसे? भारत का दक्षिणतम बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट इसे क्या कहते हैं? लेकिन आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में या आज की पूरी वीडियो में मैं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, क्वेश्चन होगी हमारी बैंकिंग वाला टीम और यहाँ पूरी स्टाफ से। तो चलो एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कौन कितने आंसर्स कर पाता है। सो कम ऑन। ओके, तो सबसे पहले हमें गार्ड सर देख रहे हैं, ठीक है सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो एज एक्सपेक्टेड सर ने बिल्कुल सही आंसर किया है, लेकिन अब देखते हैं और कौन कौन सही आंसर कर रहा है। सो कम ऑन। So as you can see here, ये पूरी ऑफिस है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक करके किसी को भी पकड़ा जा सकता है और किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे हर एक वर्टिकल की फैकल्टीज प्रेजेंट हैं, हमारी पूरी टीम भी है, कंटेंट की सभी हैं। तो एक एक करके देखते हैं ना कौन क्या आंसर्स करता है, कम ऑन। सो जैसे आप लोग देख सकते हो, हमें सबसे पहले हमारे सामने सुमित सर दिख रहे हैं, ठीक है, आप सभी को पता है सुमित सर इज वेरी गुड इन मैथ्स, लेकिन देखा जाए सुमित सर जी ये कितना बता पाते हैं। सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर अभी जैसे आपको पता है कि बजट आया है ना, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बजट किस दिन प्रेजेंट होता है? 1 फरवरी को। ओके, तो सर इज आंसरिंग 1 फरवरी। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चेंज कब से हुआ? पहले तो लास्ट डे होता था ना, कब से चेंज हो गया? इसी साल से हुआ सर। इसी साल से हुआ? यस। सर वीडियो नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हो तुम लोग, सर को बोलो पढ़ाई करें। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो नमन सर, अगेन ही इज वेरी गुड इन मैथ्स, लेकिन देखा जाए सर की जीए की नॉलेज कैसी है। तो सर, हाँ जी मैम, सर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सुमित सर से, सेम क्वेश्चन आपसे भी है, किस साल से चेंज हुआ है? आई थिंक 2017-18। सर ने एटलीस्ट सही अटेम्प्ट किया है, इट वाज 2017। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग देख रहे हो, नेक्स्ट हमारे साथ अखिल सर है, अगेन ही इज अ फैकल्टी ऑफ मैथ्स, मैथ्स 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 एवरीवेयर। तो सर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे कि अभी रिसेंट भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ओके, एज एक्सपेक्टेड सर ने भी सही बताया। कहने का मतलब है कि मैथ्स वालों की जीए भी ठीक ठाक है, ये लोग देखते हैं शायद क्लासेस। नेक्स्ट वी कैन सी हियर आंचल मैम, आल्सो अरुण सर इज हियर। सो आंचल मैम, मेरा एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है आपसे, ये पकड़िए। ओके, तो मैम आप ये बताइए, जो अभी टैक्स रेट में चेंज किया गया है, कितने टैक्स तक, सॉरी कितने लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है? 7 लाख तक इनकम टैक्स पे ना, 7 लाख तक। देखो ऐसा जब पैसों की बात आती है ना तो मुझे थोड़ी जानकारी कम रहती है, तो ये वाला मैंने रख लिया था 7 लाख तक शायद कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद फिर आई थिंक 5% का स्लैब स्टार्ट हो जाता है, पहले 6-10 बार 7 हो गया शायद, गलत हूँ मैं? वो गलत, भाई सही कर लो मैडम, सही कर लो। 3 से 6 वो नहीं, क्या है वो भी क्वेश्चन? 3 लाख तक का एग्जेम्पशन है। ओके, हां हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, 3 लाख तक का एग्जेम्पशन है, 3 से 6 5% है ना। मैम अपडेटेड है, मैम क्लासेस देख रही है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मनीष सर है और ये जो इतनी अच्छी स्टूडियो की लाइटिंग वगैरह होती है उसकी क्रेडिट इन्हें जाता है। सर आप पकड़ो। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनके ऊपर कितना टैक्स है? जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनका 30%। नाइस, सर इज आल्सो वाचिंग द वीडियो, तुम लोग भी फॉलो करो। ओके, सो कम नेक्स्ट, और अब यहाँ पे हमें मिल रहे हैं अभिषेक सचान सर। तो अभिषेक सचान सर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर। यस मैम। सर अभी हाल फिलहाल में भारत के होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह जी, मोटा भाई, आप जानते ही हैं। तो इनकी भी अगेन आंसर करेक्ट। आओ चलो चलते हैं, और नेक्स्ट वी कैन सी हियर कुशाल सर, ये रीजनिंग पढ़ाते हैं फ्रॉम SSC, इनसे अपना क्वेश्चन पूछते हैं सर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाइस नाइस, आप देख सकते हो सभी कितने अपडेटेड है, सब मेरी क्लासेस ले रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। चलो नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये विक्रांत सर है और ये भी जीए पढ़ाते हैं इन डिफेंस। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सर की नॉलेज ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाइस नाइस नाइस, आप देख रहे हो ना कि पूरा जो बैंकिंग वाला फिजिक्स वाला ये सब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सभी को जीए आती है और सब काफ़ी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग भी किया करो। ये टीचिंग वाला की स्टाफ है यार, फैकल्टीज एक्चुअली, इनसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। हाय मैम। हाय सर। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सर, प्लीज टेल दिस, गो अहेड सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी भारत के प्रेजेंट एविएशन मिनिस्टर कौन है? मैम करंटली आई एम नॉट अपडेटेड विद दिस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एविएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एविएशन इज, दिस इज द टफ वन, थोड़ा इजी प्लीज। ओके ओके, क्योंकि अभी करंटली चेंज हुआ था, आई एम नॉट अपडेटेड विद दिस। ओके ओके, तो सर हमारी प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके ओके जी। सर आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना इजी भी नहीं ना। जी जी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नाइस, तो सर का भी आंसर बिल्कुल सही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सारी टीम को मैं केबीसी ले जाऊं तो शायद मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिल सकता है और हम लोग 5-6 करोड़ वहां से जीत करा सकते हैं। आई थिंक सो लेफ्ट वन है हमारे सचिन आडेकर सर, तो लेट अस फाइंड हिम एंड आस्क हिम दिस क्वेश्चन। ओके सो कम नाउ। ओके सो हियर इज, और इन्होंने अपनी लंच ऑलरेडी फिनिश कर रखी है। सो आई हैव टू पीपल हियर, एक जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि पूरे ऑफिस को बिल्कुल लाइट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोद सर ने ले रखी है। एक मेरा क्वेश्चन इनसे होगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम सचिन सर। आसान पूछना। आसान पूछना। मुझे उम्मीद है कि सर, जैसे आप लोगों को पता है ना कि सर और मैम ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट चेंजेस इन रेट और वो एग्जाम में आ गया था, तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप अपडेटेड और आप उस लेवल का आंसर कर सकते हो। अभी नहीं हूँ मैम। ओके ठीक है, अभी मैं समझती हूँ। अच्छा सर, आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मैम जहाँ तक मुझे पता है शायद 11 होते हैं जिसमें। नहीं, क्लासेस नहीं ले रहे हो आप। मैम ऑप्शन दीजिए ना, 5 ऑप्शन तो एग्जाम में भी मिलते हैं। सर को ऑप्शन बनता है, तो सर पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 11, तीसरा 21, देन 25, देन 9। कितने चांस है आंसर के लिए? ठीक है सर, चलो आपको एक 21। ओह नाइस नाइस नाइस, आप देख सकते हो सर को सारे सब्जेक्ट की इक्वली नॉलेज है मोस्ट ऑफ। ओके तो प्रमोद सर, मूविंग टू प्रमोद सर, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है सर, आप ये बताओ। ओके ओके, तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? अरे मैडम क्या पूछ लिया आपने हमसे। मैडम आरबीआई के जो गवर्नर है वो आरबीआई के गवर्नर है। वो तो हम सभी को पता है, लेकिन नाम क्या है इनका? विमल जलान, या फिर आप ऑप्शन दे सकती हैं? मैं ऑप्शन से में ऑप्शन में तुक्का मारने में बहुत अच्छा हूँ। ठीक है चलो सर, मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, ठीक है, विमल जलान, उर्जित पटेल, एस राधा कृष्णन, शक्तिकांत दास। 4 हो गए, आपने 3 बोला था। ठीक है, 4 तो एसएससी में भी आते हैं। अच्छा ठीक है, पहला तो नहीं है। ठीक है, उर्जित पटेल भी नहीं है, 2 और कौन थे? एस राधा कृष्णन एंड शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। नाइस नाइस, मतलब कि सर ऑप्शंस देख कर ना आंसर कर सकते हैं। ओके तो चलो, इतने लोगों से हमने बात करी, जरा स्टाफ मेंबर से भी बात करते हैं। कम हियर। अब ओके तो पूछते हैं हम लोग एक अच्छा सा सवाल, प्यारे से बच्चे से प्यारा सा सवाल होगा मेरा। माई क्वेश्चन इज, मुझे उम्मीद है तुम थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होगे, मेरा क्वेश्चन ये कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। यू कैन सी हियर कि हाँ, अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे हर एक लोगों को नॉलेज है कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या है, ठीक है, मतलब सभी कहीं ना कहीं अवेयर है। एनीवे, तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस मैंने पूछ लेना सभी से, अब मेरा लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट क्वेश्चन होगा अलग पांडे सर से। चलो देखते हैं कि सर अपने आंसर को सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। सो लेट्स गो। सो बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने पूछ लिए, पर अब ये हमारा लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, क्योंकि आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन किससे होने वाला है, साक्षात अलग पांडे सर से। सो नाउ माय क्वेश्चन इज सर, जैसे फिजिक्स वाला तो पूरे भारत भर में सभी जान गए हैं और पूरे भारत में इसकी ब्रांच है हर एक कोने में, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु या आपसे कहूँ सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसे क्या है? वही सुना है मैंने, कश्मीर से कन्याकुमारी। सर लेकिन एक सदर्न मोस्ट
पॉइंट है। इसको बोलते हैं सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं सर, फिजिक्स में तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप एक बात समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस सबकी बहुत स्ट्रांग होती है। आपको पता है कि सर बिल्कुल महारथी हैं फिजिक्स में, लेकिन जनरल अवेयरनेस में थोड़ी सी मात खा गए सर। तो मैं आपको बताती हूँ, सदर्न मोस्ट पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, यस। आपके लेक्चर देखूंगा आपसे मैं।